सुपारी नामे अपुन का कसम उरन कटोले की ये कुमार कौरव अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है। एक करोड़ से कम मत लेना। ओके बाबा, एक करोड़ में से एक पाई भी गया ना अपुन उसको पन उठा के ले जाएंगे। अगर माल नहीं दिया तो उसकी बॉडी से आत्मा को निकाल डालेंगे। नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि अगर वो मर गया तो पैसा कौन देगा? क्या तेरा बाप? तुम दोनों साले लावारिस हो। ये कुमार कौरव दिखता कैसा है? अपुन तो उसकी तरफ देखता ही नहीं। हाँ, अपुन यही पॉइंट पे आ रहा था। ये है कुमार कौरव। याद रखना, ये पिक्चर में ही नहीं, असली जिंदगी में भी बहुत बड़ा एक्टर है। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं। अगर ये एक्टर है तो अपुन लोग उससे बड़ा एक्टर है। क्यों ना बाबा, न्यूक्लियर रिएक्टर है। जाओ मेरे दोनों ट्रैक्टर और उसे पैसे का फैक्टर लेकर आओ। जाओ। गुरु, मैं तो बोलता हूँ आजकल माल वाला बनने में बहुत लोचा है। बवाल इतना बढ़ गया, संभाल के गुरु। अरे बड़े बड़े लोग है ना, जितने माल वाले एक एक करके टपकाए जा रहे हैं। वो तो फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है ना, हमको उससे क्या। और वैसे भी अगर हम कभी माल वाले बने ना, अगर हाँ, तो किसी को मालूम थोड़ी होने देंगे। चुपचाप एनआरआई बन जाएंगे ना। एनआरआई नो रोकड़ा इन इंडिया। एनआरआई मतलब नॉट रियली इंडियन। ओह, कुछ भी बोलो, अंग्रेजी की बातें मैं तुमको क्यों समझा रहा हूँ। अच्छा गुरु, अपन ये कब तक 11 नंबर की बस में जाएंगे? मेरा मतलब है पैदल। है ना, जॉगिंग के मूड में हूँ मैं आजकल। रिड्यूस हो जाएंगे, बी फिट। ये जॉगिंग करके आप तो दुबले हो जाओगे, पर मैं गायब हो जाऊंगा, उसका क्या। शाना क्या बोलता है? काहे को उलझ रहे हो? हाँ भाई, किसको ढूंढ रहे, किसका पता चाहिए? सुना आजकल बहुत माल छाप रहा है तू। हाँ, कल शाम तक एक खोखे का इंतजाम हो जाना मांगता है क्या? खोखा? सौ पेटी का। अरे भाई, आपको गलत फहमी हुई है, खोखा पेटी का बिस्तर का धंधा हम नहीं करते। बोल रहा था भाई, ये रियल लाइफ में भी एक्टिंग हिच करता है। अरे भाई, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, हम लोगों को ये बिस्तर पेटी वेटी कुछ मालूम नहीं क्या होता है। इतने दिन से आप मेरे साथ, इतनी सिंपल बात आप नहीं समझ सके। पेटी लाख को बोलते हैं और 100 पेटी का एक खोखा यानी 1 करोड़ है ना। वाह, रुपया? 1 करोड़ रुपया? भाई आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। ये तो बहुत शाना बन रहा है रे। शाना तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो मुंबई में जिंदा नहीं रह सकते। देख, जास्ती 3-5 नहीं कर रहेगा। देख, तेरी शूटिंग नहीं चल रही। अरे मुझे भी मालूम है शूटिंग नहीं हो रही है भाई, और वैसे भी हम लोगों का शूटिंग वूटिंग से क्या ताल्लुक है। कल शाम तक खोखा पहुँच जाना चाहिए, वरना शूटिंग हम करेंगे। कौन लोग थे यार, पागल है क्या? गुरु, आप एक्टर बन जाएंगे, मेरे को तो ये दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर लगते थे, आपको साइन करने आए थे। अरे मुझे साइन करने आए थे क्या? मुझसे साइनिंग अमाउंट लेने आए थे। गुरु, मेरे को तो कुछ दाल में काला लगता है। काहे का दाल में काला? साफ साफ तो बोल रहे थे, जीजू कर रहे थे। बोलूंगे अब इस मुसीबत की घड़ी में जाए कि ना यार। अरे गुरु, जाए कहीं नहीं, सामने एनडी साहब का घर है, वहाँ चलो ना। क्या प्रेम, ये तो वाकई बहुत
गंभीर मामला है। इसीलिए कह रहा हूँ सर, आप कुछ मदद कीजिए वरना मेरा तो बहुत जल्दी राम नाम सत हो जाने वाला है। प्रेम भैया, आप कहे तो मैं कर क्या दूं? आप है ना, सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर दो। वैसे भी पुलिस वाले कहते कि अगर किसी ने आपको थ्रेट किया है तो आप सीधे हमारे पास आइए। अरे भाभी, मेरा नसीब तो ऐसा है कि मेरे लिए तो पुलिस वो हिंदी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह लास्ट में आके खड़ी होगी। अब मेरी लाश के पास खड़ी होकर कहेगी ये बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। देखो मेरा क्या ख्याल है कि तुम अपने पास A to Z सिक्योरिटी रख लो। हाँ गुरु, जैसे बड़े बड़े लोग रखते ना वैसा। पर सर, मैं तो ऐसे लोगों को जानता ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आज ही तुम्हारे घर में A grade Z सिक्योरिटी भेज दूँगा। अरे 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 भाई, मेरा शीशा क्यों तोड़ रहे हो? कौन हो तुम? बॉडीगार्ड। मैं बॉडीगार्ड हूँ, एनडी साहब ने मुझे भेजा है। ओह, एनडी ने भेजा आपको? वेरी गुड वेरी गुड। मिस्टर बॉडीगार्ड, एक बात बताओ, तुम एक साथ में यहाँ कितने आदमियों को मार सकते हो? नो गारंटी। अरे भाई, 10-15 आदमी अगर मुझ पर हमला कर दे तो तुम क्या करोगे? पहले मैं अपने आप को बचाऊंगा, फिर आपको बचाऊंगा। अपने आप को गार्ड करने आए हो यहाँ या मुझे गार्ड करने आए हो? मैं जिंदा रहूंगा तो आपको बचाऊंगा ना, इसलिए पहले मैं अपने आप को बचाऊंगा फिर आपको बचाऊंगा। ये इंडी भी सर्कस से भर्ती करके लाता है क्या? देखो भाई, अगर किसी ने मुझ पर गोली वोली चला दी तो तुम मुझे कैसे बचाओगे? बचाने वाला मैं कौन होता हूँ? सब ऊपर वाले के हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो फिर तुम क्या करोगे? आपके बॉडी को गार्ड करूंगा। बड़ी मेहरबानी करोगे तुम। अरे भाई, अगर किसी ने मुझ पर गोली चलाई और मुझे लग गई तो? आपकी किस्मत ना से भला किसकी यारी, कल उसकी बारी थी, आज आपकी बारी। वाह 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 वाह, तुमको एनडी ने भेजा या अमदूत ने भेजा? मैं एनडी का दूत हूँ। दूत की चाय बना सकते हो क्या? चाय से लेकर जहर तक पिला सकता हूँ। देखो जहर तुम और एनडी मिलके बाद में पी लेना, समझे घटाघट। अभी ऊपर जाओ और एक दूध की चाय बना के मेरे लिए लाओ। ठीक है। फोन करना पड़ेगा एनडी साहब के घर पे। हेलो, वो एनडी साहब कहाँ है? वो नहीं आ सकते, वो बाथरूम में गिर पड़े हैं। बहुत अच्छा हुआ। अरे यहाँ किसको भेज दिया उन्होंने? अरे वो बहुत बहादुर है, पता है नेताजी सुखलाल के बॉडीगार्ड भी यही था। अरे सुखलाल वो ही ना जिसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के गोली मार दी थी। ये बहुत बहादुर है, वो फिल्म प्रोड्यूसर मेहरा है ना, उसका बॉडीगार्ड भी यही था। अरे मेहरा को तो मार के गटर में फेंक दिया था। हाँ, लेकिन ये अभी तक नहीं मरा, बहुत ही बहादुर है। वेरी गुड, अब मुझे कब मरवाने वाला ये? लाओ भाई। आपकी जान को खतरा है इसलिए पहले मैं टेस्ट करूंगा। अरे आप घूर घूर के मुझे देखना जरूरी है क्या? ये आपकी आखिरी चाय है, दूध खत्म हो चुका। पहले हॉरर फिल्मों में काम करते थे, हर बात का टेढ़ा जवाब देते हो, अब मेरे सर पे मत खड़े रहो, जाओ यहाँ से। हर वक्त मुझे अलर्ट रहना पड़ता है, आपको गोली लगते ही मुझे दुश्मन को जवाब देना पड़ता है और मुझे तुम्हें 10 लाख पे मारने पड़ेगी। इतना अच्छा बॉडीगार्ड था, इतना अच्छा बॉडीगार्ड था यार। अरे वो बॉडी को गार्ड नहीं करता था, बॉडी को स्मशान पहुंचाता था, इसलिए उससे पहले कि वो फायरिंग करे मैंने उसको फायर कर दिया। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम पुलिस की मदद लो, बस समझाओ अपने भाई को। प्रेम भैया, मैं आपको एक आइडिया दूं। दे भैंस पानी दे। उस कुंडे के नाम एक सुपारी दे। अरे वो बहुत खतरनाक लोग हैं भाभी, सुपारी को पान में डाल के कतर कतर चबा जाएंगे। तो अपुन अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया वरना उनकी अक्की गैंग को अकेला काफी पड़ता था गुरु। प्रेम भैया, हो सकता है कि वो लोग आपके साथ मजाक कर रहे हो, आप उनसे कहकर तो देखिए कि आप रुपये नहीं देंगे बस। अरे ऐसा कहने के बाद मैं देखने लायक भी रहूंगा क्या? ज्यादा से ज्यादा करीब 20-25 गोली मारेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे मार डालेंगे ना? तो मार डालेंगे तो मार डालेंगे, मार डालेंगे तो मर जाओगे, उसमें क्या मर जाओगे, पुलिस मुसीबत से तो पीछा छूटेगा मेरा। अरे इधर ही मैं रहता हूँ भाई। लगता उन लोग का डर से जूहू का बंगला छोड़ के इधर को आ गया है। अरे कौन सा जूहू, कहाँ का बंगला? अरे तू सोचा इसको कैसे मालूम पड़ा? अच्छा, अभी अपने घरपन को भूल रहा है, फिर बोलेगा मैं तो वो हूँ ही नहीं जो हम समझ रहे हैं, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हुई है। ए? ये फोटो किसकी है? अरे
मेरी तस्वीर आपके पास कैसे आई? तो बस तेरे से ही अपन लोग को एक खोखा लेने गए। अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार, अगर इतने पैसे होते तो ये चवन्नी के बिस्किट खा रहा होता सड़क पर खड़े होके। ए शाणे, हमको क्या इनकम टैक्स वाला समझता है रे? अरे जो तू बोलेगा हम समझ लेंगे, इतनी फिल्में करता कहाँ है पैसा? मैं फिल्में देखता ही नहीं हूँ। वैसे भी तेरी फिल्म देखेगा ही कौन? कौन सी फिल्म भाई, कहाँ के पैसे? और वैसे भी मैंने तो सुना कि फिल्म वाले किसी को पैसे ही नहीं देते। ज्यादा शानपति नहीं कर रहा, इज्जत से एक खोखे का इंतजाम कर दे, वरना तो नहीं तो क्या करोगे, मार डालोगे ना? मारो मारो लो मारो। ये अपू लोग फिल्मी गोलियां नहीं चलाते, सच्ची का गोलियां चलाते हैं। हाँ तो मैं भी सच्ची गोलियों की बात कर रहा हूँ, मारो ना चलाओ ना भाई। क्या हो गया इसे, ये तो खुद मरना चाह रहा है, इसे डराए कैसे? वैसे भी आज रात को मैं फांसी लटक के खुदकुशी करने वाला था, हराम मौत मरने से तो अच्छा है धड़ाके की मौत करूं। चलो 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 मारो गोली मारो। अरे गोली मारो, ले 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 को गोली खिला। आप बोले तो अपन उसका फुल मर्डर करके इंडिया छोड़कर लंदन को पहुंच जाए। नहीं, वहां जाके क्या करेगा, गाना बजाएगा तबला बजाएगा। सलाह तुम लोग को धमकी देना नहीं आता। हाँ अपन को देख, देखा अपन को अपन कैसा धमकी देगा। अरे फोन लगा, अबे 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, वो भी फर्नीचर फोन से, मोबाइल लगा मोबाइल। ओ हेलो हेलो, अरे बोरिंग यार। हाँ कौन? कुमार करो। अरे मैंने पता है 9 बजे थी शिफ्ट है यार, वो नई कुड़ी से क्लोजअप शोजअप ले ले, वो पैनिंग वैनिंग ले ले, मैं 2-3-4 बजे तक आता हूँ। मरने की बहुत एक्टिंग कर ली तूने, अब क्या तेरे को असली में मरने का क्या? वो कौन बोल रहा भाई? साबू सुपारी कसम उरन कटोले की, अगर कल तक तुमने पूरे पूरे 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त नहीं किया तो तुम्हारे कफन दफन का सारा इंतजाम कर दिया है हमने। क्यों कैसा लगा अपन का डायलॉग? देखो भाई। अरे भाई को सिर्फ नोट देखने का, नोट कल तक अपन को नोट चाहिए, अपन कल तेरे को फोन करेगा। हाँ लोकेशन बताने के लिए। लोकेशन? अबे खजूर, फिल्म के शूटिंग का लोकेशन नहीं, माल पहुंचाने का लोकेशन। कुमार कौरव, ये पांडव की आखिरी वार्निंग है, आखिरी वार्निंग, वरना तू कल मौत का तांडव देखेगा। देखा ऐसा धमकी देता, ऐसा 1 करोड़ का इंतजाम, ये तो सिर्फ चावला ही कर सकता है। वो चावला की नंबर है रे तेरा। हेलो जी, चावला स्पीकिंग। ओ हेलो चावला, कितने तू यार? गौरव जी। हाँ जी हाँ जी, बोलो जी, किवे याद किया गरीब को? कि 1 करोड़? हाँ जी इंतजाम तो हो जाएगा जी, लेकिन इस अमाउंट को मेरी 4 फिल्मों का साइनिंग अमाउंट समझना जी। जान से बनी है यार, तेरी सारी शर्तें मंजूर है। अच्छा जी अच्छा, लो जी वो कुआं खुद ही चलकर प्यासे के पास आ गया जी। देखा मकौड़ी कैसी कामयाब रही स्कीम, उसके बाद ना वो आए ना उनका फोन। अरे गुरु कमाल हो गया, इसीलिए मकौड़ी आपको अपना गुरु मानता है, आपने भाई लोग को भी टोपी पहना दिया। ओ जी कमाल करते हैं आप, इधर कहाँ रास्ते में भटक रहे हैं? रास्ता आपके बाप का तो नहीं है? जी नहीं आपका है जी, ये किसको साथ लेके घूम रहे हैं आप? अरे अपन गुरु का सेक्रेटरी है। सचिंदर को बदल दिया क्या? मैं समझता हूँ सचमुच आप बहुत मजाकिया आदमी है। साहब जी पैसे का इंतजाम हो गया है, पूरा 1 करोड़ रुपया है, लेकिन ये रास्ते पे जरा ध्यान से चलो, आजकल बहुत डेंजर है। हाँ जी। अच्छा ये पैसा रखो जी, ते मैं एग्रीमेंट कल सवेरे साइन कर लूंगा, लेकिन 4 फिल्मों की शर्त नहीं भूलना। चंगा मैं चलना जी। अच्छा जी मकौड़ी गुरु, ये क्या जादुई रास्ता है यार, कोई आता है जबरदस्ती 1 करोड़ लेने की धमकी देता है, कोई आके जबरदस्ती 1 करोड़ ठंगा जाता है। कभी धमकियों की बारिश है, कभी नोटों की बारिश है, कभी पानी की बारिश है यार। वो हिंदू क्या छोटी पटेला बाप? ए ये अपुन को तो बोलता था शादीशुदा है, और ये क्या लफड़ा है रे? अरे फिल्म लाइन में सब चलता है रॉबर्ट, घर का वास्ते बीवी लोग होते हैं और बाहर का वास्ते हीरोइन लोग। कैसी लगी हमारी गाड़ी? नहीं है साइनिंग अमाउंट में लिखा है, फर्स्ट टाइम आपके लिए निकाल रहा हूं। अपने दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। वो क्या?
इसकी वजह से अपनी बहुत बेइज्जती हुई है बॉस के सामने, और इसी की वजह से हमारी वैल्यू बढ़ेगी बॉस के सामने। पर तू करना क्या मांगता है? ब्लैकमेल, ब्लैकमेल। इसका पीछा करो और इसकी और एक लड़की की फोटो निकालो। हाँ तो चल चल पीछा कर, जल्दी कर, स्टार्ट कर। चल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोगों की शक्लें और बदबू भी कुछ जानी पहचानी मालूम होती है। अब्दुल एंड रॉबर्ट और बदबू। शरीफ बनकर बीवी को धोखा देने का। अरे यार कभी खोखा पेटी की बात करते, कभी बीवी को धोखा की बात करते। तूने अपुन लोग के साथ बहुत दिन बात किया, अभी अपुन लोग तेरे को नहीं, तेरा बीवी तेरे को खुद मानेंगे। जोरू का गुलाम समझाएगा जो बीवी की मार खाऊंगा। ये फोटो देख के तो जरूर मारेगी। अरे यार मेरे साथ ये लड़की कौन है? वाह 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 बिडू, लड़की तेरे साथ है? तू अपुन लोग से पूछ रहा कि ये लड़की कौन है? बस बताऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी बीवी को नहीं बताना यार। मेरी बीवी बहुत डरावनी सी है, लेकिन मेरी बीवी है। मेरे बच्चे भी बहुत सड़े हुए, लेकिन दो दो बच्चे मेरे अपने ही है यार। घर मेरा सत्यानाश हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो इज्जत के साथ एक खोखे का इंतजाम कर लेना। खोखा? हाँ हाँ, खोखे का इंतजाम। तुम लोग खोखा खोला? खोखे का इंतजाम हो गया है, यही रखा हुआ नजदीक में, चलो दे देते। तूने अपुन लोग को बेवकूफ समझाया क्या? नहीं, अपने धंधे का अपन उसूल है, लेन देन सुनसान जगह करने का, जिधर ना गवाह बचे ना सबूत। तो फिर कौन सी ऐसी जगह है भाई? ये कल दोपहर को 12 बजे हम फोन करके बताएंगे। क्या? हेलो चौबे, बहुत बड़ा एक्टर बनता है, बीवी से डर गया? यार एक्शन हीरो हूँ यार, क्यों गलत पब्लिसिटी कर रहे हो? शादी कहाँ हुई है? क्या शादीशुदा होने से भी तू मुकर रहा है? साले अपुन के साथ शान पट्टी नहीं करना। हाँ शान पट्टी नहीं करना, कान खोल के मेरी बात सुन ले। आज रात को 8 बजे एयरपोर्ट होटल की छत पे पूरा एक खोखा लेके आ जाना। एक खोखा। फोन रख दिया, फोन रख दिया। लगता है उसका पैसा देने का इरादा नहीं है। जा जाकर उठा लाओ इसे, और अगर वो तब भी नहीं उठे तो उसको हमेशा हमेशा के लिए उठा दो। जा। हेलो जी, चावला स्पीकिंग। ओए चावला, तूने पैसे नहीं पहुंचा? क्या बात करते हो जी, आज सुबह ही तो रुपए दिए तुम्हें। अरे मुझे कब दिए भाई? कमाल करते हो जी, मेरे हाथ से खुद तुमने रुपए लिए। अरे मेरे हाथ में तो सिर्फ टेलीफोन है, झूठ बोल रहे हो। झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। मेरे हाथ से रुपए लेकर बदल रहे हो, बेईमान जी कहीं के। बेईमान होगा तू, तेरा पियो। मैं तुम्हें एफएमसी में खींचूंगा, वो गिरते भी ले जाओ और मैं तेरे खिलाफ इंटरव्यू दे दियांगा। चार फिल्मों का सैनिक अमाउंट लेके भाग गया। बेईमान की का यार, अब तो और कोई रास्ता ही नहीं। पुलिस, पहले पुलिस को बुलाता हूँ, फिर मैं एक्शन हीरो बन जाऊंगा। ओए सचिंदर, ओए इफ्तिकार साहब का नंबर की है? अरे तुम दोनों यहाँ भी टपक रहे हो? और नहीं तो क्या। अच्छा तूने क्या बोला रहा भाई को? भाई को? मेरा कोई भाई नहीं है भाई। ए शाड़े, अपुन तेरे नहीं, हमारे भाई की बात कर रहा है। तूने भाई को फोन पे क्या बोला? क्या बोला? ए चल तेरे को उठा के लेके चलते हैं, भाई के सामने तेरा भेजा बरोबर हो जाएगा। चल उठा ले। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, तुम यही समझा दो ना, यही मैं अपना भेजा बरोबर कर लेता हूँ। भाई ने फोन पे बोला आज रात को 8 बजे एयरपोर्ट होटल की छत पर माल लेकर पहुंचेगा, तो तूने फोन काहे को पटका? अरे मैंने फोन पे बात ही नहीं की भाई, मेरा फोन तो डेड है। अब तू डेड हो जाएगा। चैटिंग चालू है? नहीं नहीं नहीं, अब बोलो क्या करना है? ए जा शानपति मत कर। नहीं करने। रात को होटल की छत पर माल लेकर पहुंचेगा कि नहीं? हां हां पहुंचूंगा। अभी आया ना लाइन पे? बरोबर एकदम लाइन पे। हां बरोबर, याद रख ले। अच्छा बोल तो, अभी इसने तेरे को क्या बोला? इसने बोला ज्यादा शानपति करने का नहीं, रात को 8 बजे एयरपोर्ट होटल की छत पे माल लेके आ जाने का। क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। पीछे देख, पीछे तेरे सामने साबुत सुपारी खड़ा है, कसम मुरन कटोले की। अरे एयरपोर्ट तो उधर है, आप लोग पीछे से लैंडिंग कैसे कर गए? भाई का ऐसे जी स्टाइल है, दिखाते हैं घी का और खिलाते हैं तेल का। ये तेली है क्या? क्या बोला? मतलब मेन विलन आप हैं।
और नहीं तो क्या चिकने, देख ये तेरी हिंदी पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही है कि तू मेरे को धोएगा और पुलिस आके मेरे को हथकड़ी पहना के ले जाएगी। हाँ देखो यार, यार किसको बोला रे भाई, बोलने का भाई, इनकी बीवी भी इनको भाई बोलती है क्या? इनका बहुत वट है वट। अच्छा भाई भाई, देखो ये पैसे तुम्हारे ले आए हैं भाई, दिखा। अरे पैसे इनको दे दो ना भाई, लो भाई दे दो भाई। ए चिकने, हाँ जी पूरे है ना, गिन के देख लो भाई। अरे भाई आप इधर इधर गिनेगा तो इधर आपका लंदन का फ्लैट निकल जाएगा। ए, अगर बराबर नहीं होगा तो आप उनको वसूल करने को आता क्या? हाँ चलो पीछा करो, और तुम डोंट फॉलो मी। You are under arrest. अरे ये पुलिस कहाँ से आ गई? उनको नहीं मालूम भाई। अरे ये पुलिस इस वक्त क्या कैसे टपक पड़ी? ए, नाटक बन का चिकने, तूने पुलिस को बुलाया ना? हाँ याद रख, अपुन जब अंदर जाके बाहर आएगा ना तो तेरा धड़ से मुंडी अलग कर देगा और तेरे को पता भी नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर साहब इसको फौरन पकड़ लीजिए, मेरी मुंडी के बारे में इसके बहुत खतरनाक इरादे हैं। ए, तो ये इंडियन और फॉरेन की क्या बात करता है? अपुन तो तेरे को समझ ही नहीं पाया बाप, तू पुरुष है या महापुरुष है? और कभी समझ पाएगा भी नहीं, समझा क्या? हाँ लेकिन बाहर निकल गए बात तेरे को समझ लेगा अपुन। देखो देखो, लेकिन मैं आपको समझ गया हूँ, आप सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं, असली जिंदगी में भी हीरो है। हीरो और मैं? जी हाँ, आपने इन खतरनाक गुंडों को पकड़वा कर पुलिस की बड़ी मदद की है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो आपका बड़प्पन है, इतना बड़ा काम करने के बाद भी आप इसे इनकार कर रहे हैं। सर जल्दी आ जाइए, मेरी जान का खतरा है सर। हवलदार, इन तीनों खतरनाक गुंडों को अंदर कर लीजिए। ए, गुंडा नहीं बोलना भाई भाई। चल भाई चल चल। सर मैं तो आपका फैन हूँ ही, लेकिन मेरे बच्चे आपके एसी है, आपको एक ऑटोग्राफ जरूर देना पड़ेगा। ऑटोग्राफ? भाई मुझ जैसे मामूली आदमी का ऑटोग्राफ लेके आप क्या करेंगे? आप तो कुमार कौरव है, कौरव कौरव। अरे वो महाभारत वाला। इस साल का पुलिस का ब्रेवरी अवार्ड आप ही को मिलना है। चलिए चलिए मैं आपको ले जाता हूँ, आप तो हमारे हीरो हो, हीरो। जरूर रखते हैं, चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अरे मैंने आपको बुलाया इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब असली हीरो तो मैं हूँ। अरे अवार्ड आप किसको दे, वो किसको अवार्ड दे रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, यार कमाल है, इतने टॉप पे आके क्लाइमैक्स में और ले जाता है यार। तो कौन है? चमत्कार चाहत नहीं है मेहनत की, कमाना चाहे दौलत भी, आसानी से हर एक चीज पाने की है नियत भी, हर किसी का है ये ख्वाब, मिल जाए एक ऐसा चिराग, किसी को कुछ मिल जाए, किसी का कुछ हो जाए, चमत्कार उसे कहते हैं जब अनहोनी हो जाए। चमत्कार 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 चमत्कार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.